हेलो फ्रेंड्स, मैं विजु सहाय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मधुज गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूं। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि मैंगो प्लांट को कटिंग से कैसे ग्रो करना चाहिए, इसकी बारे में वीडियो बनाइए। इसके ऊपर मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो है और ये एक नया टेक्निक से मैं बना रहा हूँ, बहुत ही आसान टेक्निक है। वीडियो लास्ट तक देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो एक मिनट तक देखते हैं, बाकी नहीं देखते, तो इसी की वजह से वो लोग पूरी जो प्रोसेस है वो समझ नहीं पाते। तो वीडियो लास्ट तक देखना होगा अगर मैंगो प्लांट को आपको कटिंग से ग्रो करना है तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये मेरे पास एक मैंगो की ब्रांच है, ये जो ब्रांच है ये मदर प्लांट से है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मदर प्लांट क्या है। अरे भाई, मदर प्लांट वो होता है जिस प्लांट पर ऑलरेडी फल आ रहा है, उसे हम लोग मदर प्लांट कहते हैं। तो वही मदर प्लांट होता है। तो इसको कैसे कटिंग से ग्रो करना है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें हमें इस पर मिलाना चाहिए, ये सारे चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इसके पत्ते जो है वो काट लेता हूँ, और पत्ते सिकेटियल से ही कटना चाहिए, इस तरह से कटना चाहिए, और पत्ते को ऐसे हाथ से तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमें पत्ते को काट देना होता है। और ये जो पत्ता है इसको मैं यहाँ से काटूंगा, ये पत्ते में रहने दूंगा। और ब्रांच हमेशा ऐसे लेना चाहिए जहाँ पर ये सारी चीज़ों से ब्रांच निकल सके। ये आप देख सकते हो, यहाँ से कुछ दिन बाद यहाँ से बर्ड निकलना शुरू हो जाएगा। तो ब्रांच हमें ऐसा लेना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इसके जो सिल्के हैं यहाँ से मैं सारे सिल्के ऐसे रिमूव कर दूँगा। इस तरह से अब मैं इस पर थोड़ी सी ऐसे पानी में भिगो के, और ये आप देख सकते हो ये फास्ट ग्रोथ रूटीन हार्मोन होता है। मैंगो प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें रूटीन हार्मोन जो 3 नंबर का आता है वो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही पावर होता है। तो इससे हम इस तरह से जहाँ पर मैंने कट लगाया है वहाँ पर इस तरह से हमें लगा लेना होता है, और ऊपर भी थोड़ा सा मैं लगा दूँगा ताकि फंगस ना लगे, क्योंकि मैंगो प्लांट पर बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। और रूटीन हार्मोन लगाने के बाद हमें 1 मिनट के लिए ऐसे ही प्लांट को छोड़ देना चाहिए। मैं यहाँ पर रख दूँगा, और इसके बाद ये आप देख सकते हो बहुत ही छोटे साइज की पॉट है, तो इसके नीचे बहुत सारे होल हैं, और होल के ऊपर मैंने ये ड्राई लीफ, पत्तों की जो ड्राई लीफ होता है वो मैंने रख दिया है ताकि जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो अच्छा रहे, और जब प्लांट की रूट निकलना शुरू हो जाए तो वैसे ही ये कंपोस्ट में बदल जाएगा। तो इसकी वजह से कटिंग को थोड़ी सी न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे हमें कुछ ड्राई लीफ रख देना चाहिए। तो इसके बाद ये आप देख सकते हो ये सिर्फ कोकोपीट है, ये सिर्फ कोकोपीट है। कोकोपीट क्या होता है, कोकोपीट से हम कटिंग लगा सकते हैं, कोकोपीट पर एयरलेयरिंग कर सकते हैं, और आप जो प्लांट पॉट में लगाते हो उसके लिए सॉइल में अगर आप 30% कोकोपीट मिला लेते हो तो ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। कोकोपीट क्या करता है, पानी को स्टोर रखता है, इसकी वजह से जो हमारे पॉट में प्लांट होता है वो बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से ग्रो होता है, क्योंकि ये पानी को स्टोर रखता है। कोकोपीट क्या होता है, कोकोपीट जो हमारे नारियल होता है कोकोनट, उसके जो छिलके होते हैं उसको भून के मशीन में पाउडर फॉर्म में बदल देता है और ये कोकोपीट बन जाता है। तो कोकोपीट वो होता है। तो इसको कहाँ से खरीदना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से कोकोपीट खरीद सकते हो। ये जो कोकोपीट है इसको अंदर ऐसे रख दूंगा,
इस तरह से, और अब मैं इसको ऐसे डायरेक्ट अंदर लगा दूंगा और अब मैं थोड़ी सी पानी इस पर दे दूंगा। पानी उतना ही देना है ताकि हमारी जो कोकोपीट है वो भीग जाए, और दोबारा इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक ये गुलो नहीं होगा हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पहली बार में ही हमें ऐसे पानी देना चाहिए जैसे हमारी पूरा जो सॉइल है जो कोकोपीट है वो पूरी तरह से भीग जाए, तो ये पानी को स्टोर रखेगा एक महीने के लिए या डेढ़ महीने के लिए पानी को स्टोर रखेगा, और इससे ज़्यादा हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोकोपीट वैसे ही पानी को स्टोर रखता है। इसीलिए कोकोपीट में कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो होता है, आप एयर लेयरिंग करो वो भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने पानी दिया तो तुरंत पानी जो है वो नीचे से निकल गया, मतलब कि जो मैंने कोकोपीट डाला था वो पूरे कोकोपीट जो है वो भीग गया और पानी को ये स्टोर रखेगा एक या डेढ़ महीने के लिए, दो महीने तक भी स्टोर रखेगा। और अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर पॉलीथीन से ढक दूंगा ताकि बाहर का हवा अंदर ना जा सके, क्योंकि अगर ब्रांच पे हवा लग गया तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगा, तो इसकी वजह से हमें ब्रांच को ढक के रखना पड़ता है। अब मैं इस पॉलीथीन से, ये भी फिगा हुआ है कि मैंने इस पर पानी से इसको फिगो के रखा है ताकि नमी जो है वो अंदर बनी रहे, और कटिंग के लिए नमी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं इसको ऐसे एक महीने के लिए, जितनी दिन ये ग्रो होने के लिए लेगा उतने दिन तक मैं इसको नहीं हटाऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं बीच बीच में से इसको खोल के देखते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात होती है। अगर हम इसको खोल देंगे तो हवा जो है वो अंदर चला जाएगा और हमारे जो ब्रांच है जो कटिंग हमने लगाया है वो सूख जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। बीच बीच में से इसको खोल के नहीं देखना है। अब मैं इसको ऐसे जगह पर रखूँगा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आनी चाहिए, रोशनी तो चलेगी लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पड़ना चाहिए, तो अच्छा होगा कि इसको हम छांव में रख दें। तो मैं इसको जब तक यहाँ से ब्रांच नहीं निकलता तो मैं इसको छांव में ही रख दूँगा। तो ये सारी बातें अगर आप लोग ध्यान में रखकर कटिंग को ग्रो करोगे तो बहुत ही आसानी से कटिंग ग्रो हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं वीडियो पूरी तरह से नहीं देखते, एक मिनट या डेढ़ मिनट तक देखते हैं इसी तरह, और उसके बाद वो ट्राई करते हैं तो सक्सेस नहीं होता क्योंकि पूरी प्रोसेस जो है वो लोग नहीं देख पाते। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब ये ग्रो हो जाएगा तो इसकी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो तब तक के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स 35 डेज हो चुका है, अब मैं इसको ये जो पॉलीथीन मैंने लगाया था इसको निकाल के देखना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर से भी ये दिख जाता है कि यहाँ से जो है ब्रांच जो है वो निकल गया है, लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अंदर जो है रूट निकला है कि नहीं निकला है। तो सबसे पहले मैं धीरे से इसको हटा दूँगा। तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो हो गया है, काफ़ी सारे ब्रांच इसमें से निकल गया है। तो अब मैं इस पर निकाल के, बहुत ही हल्के से इसको निकाल के इसकी रूट तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो यहाँ से जो है रूट निकल गया है, सिर्फ एक ही रूट निकला है। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से रूट निकला है और ब्रांच भी निकल गया है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। इसी तरह से सही टाइम से सही केयर लेके आप मैंगो की कटिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, बहुत ही इजी टू ये सक्सेस हो जाता है, लेकिन हमें सही टाइम पे करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताई मैंगो की काम आप जुलाई अगस्त सितंबर तक कर सकते हो, क्योंकि यही मैंगो की काम करने का सीज़न है, मैंगो की ग्रोथ की सीज़न है। आप एयर लेयरिंग कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, या फिर ग्राफ्टिंग कर सकते हो, या फिर इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो जो भी काम करना है मैंगो प्लांट पर वो जुलाई अगस्त सितंबर में कीजिए। तो मैंने कटिंग लगाया था, रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इसका जो रूट है वो निकल गया है एक रूट।
तो अब मैं इसको दूसरे पॉट में लगाऊंगा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा, और यहाँ से 1.5 साल के अंदर अगर मैं इसको सही तरह से लगाऊंगा तो इसमें फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।